हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी टेक। आज मैं बात करने वाली हूँ एक न्यू वेब सीरीज ब्रीद इनटू द शैडो, जो कि अमेजोन प्राइम पे रिलीज़ हुई है। इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड लगभग 40 से 45 मिनट का है। मतलब अगर इस वेब सीरीज़ को आप एक ही दिन में देख के ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको 9 घंटे का समय देना होगा। तो चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज़ में काम करने वाले एक्टर्स के बारे में। अभिषेक बच्चन, अमित साथ, नित्या मेनन और इवाना कौर ये मेन रोल में नज़र आए हैं। देखिए, बात अगर अपने बच्चे की जान की हो तो हर माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं बिना ये सोचे कि उस चीज़ का अंजाम क्या होगा। कुछ ऐसा ही आपको इस वेब सीरीज़ में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। इसमें अविनाश नाम का एक लड़का होता है जो साइकेट्रिस्ट होता है। वो अपनी वाइफ आभा और अपनी 6 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में रहता है। काफ़ी खुशहाल फैमिली होती है, अच्छे से ये रह रहे होते हैं। एक दिन अविनाश अपनी बेटी को लेकर एक बर्थडे पार्टी में जाता है और वहाँ पे अचानक से उसकी बेटी गायब हो जाती है, जिसे काफ़ी ढूंढा जाता है, ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, बट वो नहीं मिलती है। उसके बाद अविनाश पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। पुलिस काफ़ी छानबीन करती है बट सिया का कोई पता नहीं चलता है। 9 महीने बीत जाते हैं और सिया का कुछ पता नहीं चलता। एक दिन अचानक उन्हें पता चलता है कि सिया को किडनैप किया गया है और वो जिंदा है। किडनैपर से उन्हें एक लेटर मिलता है और एक सिया की वीडियो भी मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन किडनैपर उनसे पैसों की डिमांड नहीं करता है, बल्कि अविनाश से कुछ लोगों का मर्डर करने को कहता है। सिया की जान बचाने के लिए अविनाश इसके लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये किडनैपर है कौन और ये अविनाश से मर्डर करने के लिए ही क्यों बोलता है। आखिर इस किडनैपर का अविनाश और उसकी फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दिखाए गए हैं। इसमें स्टार्टिंग जो होती है वो मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर से होती है, लेकिन एंड होते होते ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाता है। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर से भरी मूवीज़ वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद है तो यकीन मानिए ये वेब सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही इमोशंस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्टिंग के बारे में। अभिषेक बच्चन, जिन्होंने अविनाश का रोल प्ले किया है, इन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है और एक अलग ही रूप में नज़र आए हैं। इनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार रही है। वहीं नित्या मेनन ने भी अपनी एक्टिंग को काफ़ी अच्छे से निभाया है। उन्होंने एक डरी हुई माँ और एक पत्नी का रोल बखूबी निभाया है। वो अपनी बच्ची की सलामती चाहती है और कई डिसीजन लेती है, अपने डिसीजन पर डरती भी हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारती हैं और वो अपने पति के साथ खड़ी रहती हैं और उनका काम काबिले तारीफ है। अमित साथ ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। इनकी एक्टिंग हो सकता है आपको सीज़न 1 की याद दिला दे, इन्होंने वैसी ही एक्टिंग की है जैसे उसमें की थी। और इनके अलावा बाकी एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। वेब सीरीज़ का लेवल अब बॉलीवुड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। वेब सीरीज़ अब लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती जा रही है और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इस सीरीज़ में जो सस्पेंस है उसे 6th एपिसोड में ही खोल दिया जाता है। ये अगर 10वें एपिसोड तक लेके जाते तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता। कुल मिला के ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर देखना काफ़ी पसंद है तब तो ये आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर अभी तक आपने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा है तो आज ही इसे डाउनलोड करके देखिए। और ये वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।